तो मैं अब जा रही हूँ वापस, यहाँ से खाड़ी पे आई थी, सोचा था कि शायद कुछ मिल जाए पर कुछ नहीं मिला। चीजें तो बहुत है, भरमार तो बहुत है, लेकिन पसंद की बात है ना, तो फिर मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ कि बस मैं आई हूँ तो ले लूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं बस कुछ ना कुछ लेना है, कोई बात नहीं, अच्छी शॉप है तो बस हम आए हुए हैं तो ले लें, बट मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ। क्यों, हम लोग ऐसे ही ले लें चीज, है ना, पसंद की चीज होगी तो लेंगे, नहीं तो बस फिर सुकून करेंगे तो बस मैं भी घर जाती हूँ, क्योंकि अबू ने भी बाहर आना था और अबू कह रहे थे कि मेरे बाहर बैठना है। मैंने कहा अबू बस मैं पहुंच जाऊंगी, मैंने उधर देना है बकरे का ऑर्डर और बस मैंने पहुंच जाना है। तो बस ये है कि बकरा जो है ना मैंने दे दिया है, दो बकरे, और फिर मैंने ना यहाँ से अपने भाई को फोन किया, क्योंकि वो भी इसी शेषुपंज में था कि जो है तो बहनोई ले देगा कि हर साल यही होता है, इस साल जरा मुख्तलिफ हो गया साल, तो ये साल जो है ना फिर उसमें अब ये हुआ है कि फिर मैंने उसको वहाँ से फ़ोन किया एच करीम अक से। मैंने कहा कि नासिर तुम ये बताओ कि तुमने कुर्बानी देनी है तो फिर इस दफ़ा तो खुरम नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि इस दफ़ा मैं नहीं बकरे लाऊंगा इकट्ठे मतलब बड़ी आसानी थी, सालों से हम लोग यही कर रहे थे कि वो इकट्ठे एक रात पहले ले आता था और आराम से हम अगले दिन करके एक दिन बस रात अपने पास ही वो रख लेते थे और हमें जो है ना कोई मुश्किल नहीं करनी पड़ती थी। बहरहाल मुश्किल अभी भी नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा बताओ कि तुम्हारे लिए भी कर दें, तो पहले दिन का तो नहीं मिला क्योंकि पहले दिन जाहिर है थोड़ा लेट हो गया है, तो वो कहने लगा कि सेकंड डे का है। मैंने कहा दे दो सेकंड डे का। फिर मैंने नासिर से पूछा, मैंने कहा तुमने करना है, तो कहते हैं कि हाँ मेरा भी कर दो, तो फर्स्ट डे का नहीं मिल रहा। मैंने कहा नहीं, इतना रश है, लोगों ने कर ली ही नहीं है अपनी बुकिंग्स, तो इसलिए अब जनाब आप सेकेंड डे का ही करें। तो बहरहाल फिर शुक्र है कि हो गया, उसका भी कहता है हाँ मेरा भी कर दो। तो अभी ज़्यादा रश नहीं शुरू हुआ था और मैंने इसको कहा कि किसी तरह एक ही कर दो, नासिर ने पिंडी से आना होता है उसके लिए मुश्किल होगी। कहता है नहीं बहुत रश है, बिल्कुल हमारे पैक्ड है, फुल है। बस मैंने और भी ग्रॉसरी कर ली जो मुझे चाहिए थी, और उसके बाद जनाब अब मैं सोच रही थी कि शायद कोई कुर्ता शुरता मिल जाए तो ले लूँ। ऐसे ही दिल पुशारी कर लेती हूँ, मैं जाती जरूर हूँ, चक्कर मारती हूँ, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ले लेती हूँ, लेकिन मैं कम ही लेती हूँ चीज़ें, जो पुरानी चीज़ों की कोशिश करती हूँ। कपड़े भी वही हैं तो वही आपको नज़र आते होंगे, मैं पहन लेती हूँ। ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए इंसान को, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़रीदारी के मैं हक में कभी भी नहीं रही हूँ, सारी उम्र नहीं रही हूँ वहाँ पर होते थे ना मिसालपुर, तो वहाँ करीब रशकई है, आपको पता होगा, और बड़े दूर दूर से लोग आते थे हमारे पास और फिर हम रशकई जाते थे और वहाँ से ख़रीदारी करते थे। तो वो इनकी वजह के फ्रेंड्स थे, तो उनकी बीवियाँ मुझे कहती थी कि तुम कैसे नहीं लेती हो, हमें तुम ख़रीदारी करा देती हो और तुम एक चीज़ भी नहीं ख़रीदती हो। मैं कहती हूँ मेरा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो जब ज़रूरत नहीं है तो फिर ऐसी क्यों चीज़ें ख़रीदनी है ना, ज़रूरत है तो चीज़ लें, और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर बस फिर ठीक है सुकून करें, ज़रूरी तो नहीं है ना कुछ लोगों के हाथ में सुराख होता है, उनसे रहा ही नहीं जाता, उनके पास पैसे आते हैं ना तो वो फटाफट खर्च कर लेते हैं, तो मेरे पास तो पैसे आते हैं तो फिर वो रहते हैं, चीज़ें भी रहती हैं और इंसान भी रहते हैं, इंसानों को भी पकड़ के रखना ज़रूरी है, इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, इंसान चाहिए आपको ज़िंदगी में, वैसे तो इंसान के बगैर भी गुजारा हो जाता है, आखिर में तो मैं कहती हूँ अपना साया ही है या फिर अल्लाह है लेकिन फिर भी दुनियावी ज़िंदगी में जो आपके अपने हैं उनको पकड़ के रखें, उनको छोड़ना नहीं है, और कोशिश करें सब्र व तहम्मुल शुक्र बस ये करते रहें, अल्लाह ताला आसानियाँ देगा, अल्लाह ताला आसानियाँ देता है, हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं कभी कभी, है ना, और फटाफट जो है तो हम कहते हैं बस अब हमने इसके साथ नहीं रहना, हमने इस बंदे को आग कर दिया अपनी ज़िंदगी से, तो आग करना इतना आसान नहीं है, और अल्लाह जो है ना बहुत अजर देता है, तो हमने तो अजर अल्लाह से लेना है, ये तो ज़िंदगी चंद दिन की है, बस खाओ पियो और बस जितना मिलता है उस पर सबर कर लो, जो मिल गया वो आपका अपना, जो आपको नहीं मिला वो आपका है ही नहीं, अगर आप ये सोच लेंगे ना और दूसरे से हसद नहीं करेंगे, आप यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये जो हसद है ना ये मार डालता है, हसद बहुत ही बुरी चीज़ है, तो बस खुश रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो मिलता है
अभी मैं कब्रिस्तान से गुजर रही हूँ, अल्लाह ताला इन सबको बख्शे, अल्लाह इन पे रहमत कर, अल्लाह हम पे रहम कर, अल्लाह मियाँ इनको बख्श दे और अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं घर पहुंच गई हूं, देखिए, और बादल 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 कितने प्यारे हैं बारान के बाद। और ये मेरी कलियां भी हैं, कलियां तोड़ लूँ थोड़ी सी, अंदर कमरे में रखूँगी, खुशबू आएगी। लगता है आज किसी ने तोड़ ली है, वरना ये भरा हुआ होता है। आ रही है आपको खुशबू? खुशबू एक दो कलियां भी हों तो क्या शानदार खुशबू आती है ना, ये देखिए। तो बारिश हुई थी, वो देखें पानी खड़ा हुआ है साथ वाले घर में, यहाँ इसने साफ कर लिया है। अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे फूल खिले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आ गई टाइम पे। वेलकम 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 शान। तो ये देखिए ये नज़ारा है, क्या हाल है अब्बू? हो गया बकरों का काम? हाँ बकरों का काम हो गया। अच्छा हाँ जी, नासर ने कहा मेरे लिए भी कर दो। अच्छा कितने में? अबू 50 में। 50 का एक दो और अबू कितने? 3। अच्छा तो टाइम है? टाइम तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं तो अभी पहुंची हूँ आपके पास, आपकी मैंने कहा से बातें कर लूँ। तो आपका वो जो एक जमाने में 2 रुपए का बकरा था वो नहीं मिलता? आप कह रहे थे 28 का होगा, देख लें, कोई नहीं है, इतने महंगे बकरे हो गए हैं। ये तो मैं वो RIQ पे देखा था मैंने। नहीं नहीं वो आप पता नहीं क्या देख रहे थे, बकरे इतने सस्ते नहीं रह गए अब। अच्छा हाँ जी, सब कुछ ही महंगा हो गया अबू, कौन सी चीज सस्ती है? किसको आपने दिया अबू? वहाँ पर एच करीम बख्श पे। एच करीम पॉट पूरी भी? नहीं नहीं एच करीम बख्श दिया, पॉट पूरी नहीं दिया। अच्छा हाँ जी, तो बस हो गया है माशाल्लाह, और कोई जो है ना चीज सस्ती नहीं रह गई। हा? कोई चीज सस्ती नहीं है? नहीं वो तो ठीक है। हाँ जी, तो 50,000 का है, अगले साल पता नहीं और ज्यादा हो जाएगा। इधर से खोल लो। तो बस बाकी चीजें भी ले आई हूँ, कोई फ्रूट सब्जी ले आई हूँ आपके लिए, भरते के लिए बैंगन ले आई हूँ, तरबूज लाई हूँ, और बाकी भी जो जरूरत की चीजें थी मैं वो ले आई हूँ। हाँ जी, तो बस मैंने कहा कि जल्दी से आ जाओ, मौसम आज अच्छा था, आज थोड़ी सी मैंने हिम्मत कर ली, लेकिन गर्मी है। आप बताएं क्या खबरें हैं आपके पास अबू, कोई नई खबर बताएं, शानदार सी रिकॉर्ड हो रही है, मजेदार सी। वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अज़रबैजान गए 2 दिनों के लिए। अच्छा तो इसमें मजेदारी क्या है? आपको बताया था। अच्छा तो क्या करने गए हैं वहाँ? वहाँ बस वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने उसको बुलाया था शहबाज शरीफ को। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अच्छी बात है। और इमरान खान की नहीं कोई खबर? इमरान खान तो वही जगह पे है। अच्छा उसके जो साथी है वो बिछड़ रहे हैं। साथी बिछड़ रहे हैं? ये साथी नहीं बिछड़ने चाहिए हैं, अब वो किसी का साथी ना बिछड़े। अच्छा चले जी ठीक है, मौसम अच्छा है आज, आप इंजॉय कीजिए। आपका कोई जहाज आया कि नहीं आया? नहीं जहाज नहीं आया, चले आ जाएगा, अभी हम बैठते हैं ना। टाइम तो मैं मुझे बता रहा हूँ अबू, अभी तो टाइम है, नमाज में बहुत टाइम है, आप फिक्र ना करें। 12:04 पे नमाज है, तो अबू को बस ये होता है कि टाइम पे नमाज पढ़ लें, जैसे ही टाइम होता है। तो चलें जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैं जी, गोश्त बांटें, बकरे बांटें, प्यार बांटें, बातें बांटें, और सब्जी और तरबूज भी बांटे, शरबत बनाएं और पिए ठंडा ठंडा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।